तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ब्रजरज कार्यक्रम में, जहां पर इस वक्त मथुरा से सांसद हेमा मालिनी संबोधित कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज मीराबाई के रोल में उनका कार्यक्रम, उनका नृत्य इस मंच से आज उन्हें प्रस्तुत करना था और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। ब्रजरज कार्यक्रम, थोड़ी देर पहले पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की और अब इस कार्यक्रम इस शुभ अवसर पर ब्रजरज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदी बहन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहां इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूं। महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री, उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहां आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। जितना हम विकास करेंगे उतना कम है, तो अभी बहुत काम बाकी भी है। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभभाई पटेल, वल्लभभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा, भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर अपने सारे ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर धर धर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली। उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। उनका जीवन लौकिक में होते हुए भी अलौकिक था। मीरा को संत सच ही भारत की सबसे महान महिला संतों के रूप में देखा जाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मुझे मीराबाई से लगाव और कब से हुआ ये। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी गुरु माँ इंदिरा देवी जी, जो आजीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियाँ मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूँगी, वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित
एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूंगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ इस पुण्य भूमि में वृंदावन मथुरा में सब जगह देखती आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं, बहुत ही खुशी हुई सब देखकर। लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मैंने मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हेमा मालिनी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। कार्यक्रम की महिमा के बारे में बताया और जिक्र किया कि कैसे वो मीराबाई से प्रेरणा पाती हैं, और बात अध्यात्म की हो, कृष्ण भक्ति की हो, तो मीराबाई का नाम जरूर लिया जाता है। ब्रजभूमि पर ब्रजराज महोत्सव और संत मीराबाई के स्मृतियों को ताजा करने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और
उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया, अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक, आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है, इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की प्राकाष्ठा में पहुंची हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उत्सव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। थोड़ी देर पहले आपने हेमा मालिनी को भी सुना, उन्होंने भी पीएम मोदी का स्वागत किया और बताया कि कैसे बीते 10 बरस में मथुरा में विकास की तमाम परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में तमाम योजनाएं मथुरा में आई हैं और उसका असर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर यहां ब्रजरज उत्सव का आयोजन किया गया है और इसी मौके पर हेमा मालिनी की प्रस्तुति भी यहां पर होनी है, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होना है, वो भी आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन यहां पर दूर दूर से पहुंचे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का, हेमा मालिनी की प्रस्तुति का। और अब वो अवसर, वो मौका जब प्रधानमंत्री मोदी यहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे, उनके संबोधन में क्या खास रहने वाला है थोड़ी देर में आप खुद ही सुन पाएंगे। खास मौका, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार
श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचा नहीं था। और ये मीराबाई की याद में आज यहां पर डाक टिकट भी जारी किए गए हैं, उसका यहां पर विमोचन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। चूंकि मीराबाई की 525वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में उनको समर्पित ये डाक टिकट जारी किए गए हैं और बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी आप यहां पर सुनेंगे। इससे पहले पीएम मोदी श्रीकृष्ण जन्मस्थान में पहुंचे, वहां पर उन्होंने कान्हा जी की पूजा अर्चना की, विधिवत पूजा अर्चना की, उन्होंने गर्भगृह में जाकर दर्शन किए। पहले प्रधानमंत्री हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर ठाकुर जी की पूजा की और उसके बाद वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे आयोजन की। यहां पर एक सिक्का भी जारी किया जा रहा है आज मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर। आप देखिए ये 525 रुपए का सिक्का जिस पर सामने अशोक स्तंभ बना हुआ और इसके पीछे की तरफ मीराबाई की तस्वीर उकेरी गई है। तो आज बहुत ही खास ये पल मथुरा वासियों के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ब्रजरज उत्सव जो कि यूपी सरकार के प्रयासों से सफल हो पाया है, भव्य और दिव्य इसका आयोजन किया गया है। इसमें आज हेमा मालिनी की प्रस्तुति होनी है, मीराबाई के रूप में वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया और बताया कि कैसे मथुरा से उनका एक खास लगाव बन गया है। एक सांसद के तौर पर बीते 10 साल से वो मथुरा वासियों के बीच में हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित किया और अब बारी है प्रधानमंत्री मोदी की। ये हम आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर है। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे, गर्भगृह में जाकर विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर कान्हा जी की पूजा अर्चना की है। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचा नहीं था श्री कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और काशी वासियों के साथ साथ मथुरा वासियों में अब ये उम्मीद जगी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी का कायाकल्प किया, कुछ वैसी ही तस्वीर आने वाले दिनों में मथुरा की भी देखने को मिलेगी। एक तरफ अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ काशी में एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ और अब बारी यहां पर मथुरा में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की है। उस दिशा में एक तरफ कदम आगे बढ़ाया जा रहा है और इन सबके बीच इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पहुंचे हैं। भी आधार है, ऐसी संस्कृति जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था, प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। उनका कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के नर नारी समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त हैं। आज भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है।
मीराबाई ने वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। इस मंदिर में प्रभु विग्रह के दाहिनी दिशा में मीराबाई की भजन कुटीर है। इस पावन स्थली में प्रवेश करते ही अलौकिक भाव स्वतः स्फूर्त होता है। रैदास जी के प्रति उनका आदरणीय भाव था। ब्रज के संत बल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी एवं षड गोस्वामियों की भक्ति और तपस्या से वह बहुत प्रभावित हुई। यही कारण है कि उनके पदों में सगुण भक्ति का पूर्ण भाव परलक्षित होता है। वृंदावन में भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए वह नियमित यमुना में स्नान करने के बाद निधिवन, सेवा कुंज, ब्रह्म कुंड, राधा बल्लभ जी आदि मंदिरों में भगवान के दर्शन कर नए नए पदों का गायन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करती थी। मीराबाई अनवरत वृंदावन में 15 वर्ष रही। वह वर्ष 1546 ईस्वी में द्वारिका चली गई, जहां रणछोड़ दास जी की भक्ति में वो सदैव के लिए विलय हो गई। मीराबाई जी अहिंसा और सहिष्णुता के भाव के साथ पूरी निष्ठा से अपने प्रभु श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलती रहीं। प्रभु प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को छूने वाली संत मीराबाई जी का संपूर्ण जीवन, उनके भक्ति गीत और आदर्श सभी को अपने आराध्य के लिए समर्पित होने और प्रेम व करुणा के भाव के साथ सबके कल्याण का संदेश देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रभु श्री कृष्ण की परम भक्त संत मीराबाई। देवियों सज्जनों, भारत देश के लिए वर्तमान समय जो है वो पुनर्जागरण का काल है। पूरी गति और पूरी शक्ति से भौतिक प्रगति, साथ ही साथ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना, इन सभी दृष्टियों से ये पुनर्जागरण का काल है। और इस पुनर्जागरण की प्रेरणा है, इसके ध्वजवाहक है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में, मंत्रिमंडल के और सहयोगी गण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है।
ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं, और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम् प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार ऐने होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे, और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं, और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपके सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव
नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है। जिसे कोई अद्वैत कहता है, आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान के उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सींचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए। राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कर्ण कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेतई दिसई धरनी गगन बीच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए
मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी, बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मेरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी घड़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे, उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए, पंजाब में गुरु नानक देव हुए, पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदाव जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के बंशी वट जैसा वट नहीं है और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ
तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदार राज्य के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राज्य के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है, वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। एक बार फिर आप सभी को संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में आपका शुभागमन हुआ है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देवियों सज्जनों, आपसे ये बता दें, आप प्लीज अपने स्थान पर ही बैठे, कृपया विराजें अपने स्थान पर। आज हम सबको यह सौभाग्य मिलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सानिध्य में जब वे दर्शक दीर्घा में पधार रहे हैं, तो हम उनके सानिध्य में आज की बहुत ही विशेष प्रस्तुति, जो कि 525वें जन्मोत्सव जिसका आज शुभारंभ हुआ है संत मीराबाई के, उस पर आधारित एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भारत की प्रख्यात नृत्यांगना, अभिनेत्री, कलाकार और हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी के माध्यम से और उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वो प्रस्तुति, उसके लिए मंच सज्जा में थोड़ा सा समय चाहिए, लगभग 5 से 7 मिनट का, और उसके बाद ये मंच पर, इस मंच पर 525 वर्षों की पुरानी जो कथा है, वो कथा जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है, उस कथा को मीराबाई, संत मीराबाई के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के माध्यम से यहाँ हेमा मालिनी जी की प्रस्तुति के रूप में उसे देखने का, उसे सुनने का अवसर हम सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री महोदय के आभार के साथ साथ यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और सभी विभूतियों का मंच पर उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार, और सभी आप सबके बीच में, दर्शकों के बीच में स्थान ग्रहण कर रहे हैं।